विद्यार्थी मित्रों, सहजानंद विद्यालय के द्वारा आयोजित डिजिटल एजुकेशन श्रेणी में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 6 विषय हिंदी में हम व्याकरण लेखन में आज निबंध लेखन के बारे में सीखेंगे। तो हम बच्चों यहाँ पे अभी तक ऑफलाइन पढ़ रहे थे, अभी हमारा ऑनलाइन शुरू हो रहा है। तो हमने ऑफलाइन में जिस क्लास में निबंध लिखवाया है उसको निबंध नहीं लिखना है, जिसको बाकी है उसी को निबंध लेखन करना है, उसको हिंदी की निबंध नोट में निबंध लिखना है, दाई ओर लिखना है, बाई ओर हमें लिखना नहीं है। अब आपको तो पता ही होगा निबंध लेखन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, निबंध लेखन परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो आपको तैयार भी करने हैं, अच्छी तरीके से याद रखना है। तो चलो बच्चों हम निबंध लेखन शुरू करते हैं। बच्चों जो हमारा पहला निबंध है वो क्या है, जो हमारा पहला पत्र है, जो पुस्तक, जो हमारी चौथी इकाई है, पुस्तक हमारी मित्र, उसके बारे में ही हम निबंध लिखें। हमने उसके बारे में पत्र तो पढ़ा है लेकिन हम उसके बारे में निबंध भी सीखेंगे कि पुस्तक हमारे जीवन में कितनी महत्व रूप है, पुस्तक के हमारे लिए कितनी महत्व देती है, पुस्तकों से हमें क्या क्या फ़ायदा होता है, क्या कौन सा ज्ञान अर्जित होता है, उसके बारे में हमें जो पत्र लेखन में भी सीखा, लेकिन बच्चों हम उसको निबंध लेखन में भी सीखेंगे। तो चलो बच्चों हम अपना पहला निबंध शुरू करते हैं, पुस्तक हमारी मित्र। हम सभी की मित्र है, पुस्तकें हम सभी की मित्र है। जीवन में मित्र या सखी का जितना महत्व है उतना ही हमारे जीवन में अच्छी पुस्तकों का महत्व है, कि हमारे जीवन में जितना एक सखी का या मित्र का महत्व होता है उसी तरीके से हमारे जीवन में जो अच्छी पुस्तक है उसका भी बहुत महत्व होता है। पुस्तकें हमें जीवन जीने का मार्ग दिखाती है, पुस्तकें वो हमें जीवन जीने का मार्ग दिखाती है। पुस्तकें हमें नया ज्ञान देती है एवं भले बुरे का फर्क बताती है। पुस्तकें वो हमें क्या देती है, एक नया ज्ञान देती है एवं भला क्या है, अच्छा क्या है, खराब क्या है, उसके बारे उसका फर्क भी बताती है। अच्छे ज्ञान के साथ साथ भला क्या है, बुरा क्या है, अच्छा क्या है, खराब क्या है, उसके बारे में भी हमें पुस्तकें बताती है, उससे हमें बहुत ही ज्ञान मिलता है। पूज्य बापू ने कहा था कि पुस्तक के मन के लिए साबुन का कार्य करती है। जिस तरीके से शरीर का मैल मिटाने के लिए हम साबुन यूज़ करते हैं उसी तरह मन का मैल मिटाने के लिए हमें पुस्तक है वो साबुन का कार्य करी। यह वाक्य किसने कहा था, गांधी जी ने कहा था कि पुस्तक के हमारे लिए मन जो हमारे मन का जो मैल होता है उसको दूर करने के लिए साबुन का कार्य करती है। मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। हमारे मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, उसको मिटाकर वह ज्ञान का संचार करती है। तो अज्ञान जो अज्ञान रूपी है, हमें जो पता नहीं है, वो हमें किससे ज्ञान मिलता है बच्चों, पुस्तकों से मिलता है। पुस्तक के ज्ञान का स्रोत है, जिससे जहाँ से हमें ज्ञान मिलता है वह स्रोत है, जिस तरह पानी के स्रोत होते हैं, कुएं, नदी, तालाब, नहर, या तो जो पानी का जो नल होता है, तालाब होता है, उसमें से हम पानी का स्रोत लेते हैं, बोरवेल होते हैं, डंकी होती है, उसमें से हम पानी लेते हैं। इसी तरीके से ज्ञान का स्रोत कौन है, पुस्तक के वो है ज्ञान का स्रोत है, जिससे हमारे ज्ञान तथा जिज्ञासा की पूर्ति होती है। जो हमें जो जानने की इच्छा होती है उसकी क्या होती है, पुस्तकों से पूर्ति होती है। पुस्तकें हमारे ज्ञान को गतिमान रखती है, पुस्तकें मूल्यवान है। पुस्तकें हमारे ज्ञान को क्या रखती है, गतिमान रखती है, वह मूल्यवान है। पुस्तक पढ़ने से जो ज्ञान मिलता है उससे हमारा जीवन सुंदर बनता है। पुस्तकें पढ़ने से जो ज्ञान मिलता है उससे हमारा जीवन क्या होता है, बहुत ही अच्छा और सुंदर बनता है। हमें जीवन को आबाद बनाने में पुस्तक की सहाय रूप होती है। आबाद यानी कि हमारे जीवन को संवारने के लिए, सजाने के लिए पुस्तकें बहुत सहाय रूप होती है, जिससे हमें बहुत ही अच्छा ज्ञान मिलता है। अच्छी पुस्तकें पढ़ने से हमें बहुत लाभ होते हैं। जो अच्छी अच्छी पुस्तक है वो पढ़ने से हमारे ज्ञान में क्या होता है, ज़्यादा होता है, उससे हमें बहुत लाभ होते हैं। मैं तो यही कहता हूँ कि जीवन में पैसों से बढ़कर भी पुस्तकें हैं। जीवन में पैसों का जितना उससे ज़्यादा भी महत्व पुस्तकों का है। हमें हर रोज़ घर तथा पुस्तकालय में जाकर पुस्तकें पढ़नी चाहिए। हमें अपने दोस्तों या सखी को जन्मदिन के अवसर पर अच्छी पुस्तकें भेंट में देने चाहिए। या जो हमने इकाई पढ़ी थी बच्चों, उसमें एक सूत्र था, हमें बुक बुके नहीं परंतु बुक चाहिए। यहाँ पर भी ऐसा ही कहा गया कि जन्मदिन
या शुभ अवसर पर हमें किसी को पुष्पों का गुलदस्ता नहीं बल्कि किताबों की भेंट देनी चाहिए। किताबों की भेंट देने से उसके ज्ञान का जो सही उपयोग है वो तह ज्ञान में संचार होगा, जो नया ज्ञान है उसको मिलेगा। सचमुच पुस्तकें हमारी मित्र है, पुस्तकें हमारी मित्र है। पुस्तकों से हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है, अच्छा ज्ञान मिलता है। यह निबंध है, आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या आप पुस्तकों के बारे में जो जानते हैं उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा पहला निबंध है खत्म होता है। अभी हम दूसरा निबंध है वो डाकघर देखेंगे। जिस तरीके से चौथी इकाई में हमने अंतर्देशीय पत्र, पोस्ट कार्ड और लिफाफों के बारे में सीखा था, उसका मूल्य क्या होता है, वह सब कहाँ पर होता है बच्चों? डाकघर में होता है। इसीलिए हम डाकघर में कौन कौन सी सुविधाएँ होती है उसके बारे में भी मैंने आपको बताया। अभी हम डाकघर निबंध देखेंगे। जिसको आप ये वीडियो देखना, इसको समझना, जिससे आपको डाकघर निबंध बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलो बच्चों डाकघर देखते हैं। निबंध लेखन दूसरा, डाकघर। डाकघर यानी को जो हम इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं, पोस्ट ऑफिस, बराबर। आप लोगों को पता है पोस्ट ऑफिस में हम पैसे जमा करने जाते हैं, पोस्ट में पैसे रखते हैं, उससे हमें ब्याज भी मिलता है, बैंक लोन भी देती है, और जो हमारा पत्र व्यवहार है वो पोस्ट के माध्यम से ही होता है। डाकघर टपाल पेटी है वो आपने देखी ही होती कि लाल रंग का जो डिब्बा होता है इसमें हम जो हमारा लेटर है, टपाल है, उसमें डालने जाते हैं, पत्र है वो डाल देते हैं, और वो डाकिया यानी कि टपाली उसको ले जाता है और घर घर पहुँचाते हैं। डाकिया डाकलाया डाक यानी कि जो पत्र है उसको डाक कहते हैं। डाकघर यानी कि पत्र डालने का घर, जहाँ पे होता है उसको डाकघर कहते हैं। तो उसको हम देखेंगे। डाकघर हमारे सेवा केंद्र है, डाकघर हमारा सेवा केंद्र है। गांव में छोटे छोटे डाकघर होते हैं, गांव में छोटा डाकघर होता है, वहाँ एक ही आदमी डाकघर के सभी कार्य करता है। कि जो वहाँ पे एक ही, क्योंकि वहाँ छोटा होता है इसीलिए वहाँ एक ही आदमी है वो डाकघर के कार्य करता है। डाकघर से डाकिए डाक घर घर पहुँचाते हैं। डाकघर से डाकिए यानी कि टपाली डाक है वो घर घर पहुँचाता है। शहर में बड़े डाकघर होते हैं, डाकघर में डाक मुंशी के साथ साथ कई कर्मचारी सहकर्मी काम करते हैं। डाक मुंशी जो होता है, जो मेन होता है, उसके साथ साथ कई सहकर्मचारी जो उसके साथ काम करने वाले वो काम करते हैं। ये था हमारा पहला पैराग्राफ। अभी हम दूसरा पैराग्राफ देखेंगे। मैंने आपको इकाई में भी बताया था, इसके बारे में भी लिखा था, उसी के बारे में यहाँ पे। डाकघर में पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, लिफाफे तथा विविध मूल्य के टिकटें मिलती है। अलग अलग प्रकार की टिकटें भी मिलती है। पोस्ट कार्ड क्या होता है, वो छोटा होता है, येलो कलर का होता है, जिसमें एक तरफ पता लिखा जाता है, दूसरी तरफ हम लेटर लिख सकते हैं जो हमें लिखना होता है। अंतर्देशीय पत्र में एक तरफ पत्र का लिख, उसमें पोस्ट कार्ड से ज़्यादा लिख सकते हैं हम, और उसमें एक तरफ पता लिखा जाता है और एक तरफ ज़्यादा लखन होता है क्योंकि वो बड़ा होता है। लिफाफा यानी कि लिफाफा में हम अपने कागज़ में पत्र लिखकर, उसमें अंतर्देशीय पत्र और पोस्ट कार्ड से ज़्यादा पता हम लिख सकते हैं, और उसको हम गम से पैक करके उसमें पत्र डाल के उसको डाकघर में डाल देना है। विविध टिकटें भी मिलती है। बड़े डाकघर में अलग अलग खिड़कियाँ होती है। जिस तरीके से बैंक में खिड़कियाँ होती है उस तरीके से बड़े डाकघर में अलग अलग डाकघर में अलग अलग खिड़कियाँ होती है। जिस तरीके से बैंक में खिड़कियाँ होती है उस तरीके से डाकघर में भी अलग अलग प्रकार की कार्य करने की खिड़कियाँ होती है। हर खिड़कियों पर जो काम होता है वही लिखा होता है, वहाँ पे ऊपर लिखा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि कौन सी खिड़की पर हमें जाना है। आज तो डाकघर से सोना भी बिकता है। अभी तो क्या है कि डाकघर से हमें, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें लोन लेना है तो लोन भी मिलता है और सोना भी बिकता है। आजकल तो डाकघर में आपको पता होगा कि हर कार्य, कोई भी क्षेत्र हो उसमें कंप्यूटर होना आवश्यक है। कंप्यूटर बहुत ही ज़रूरी है, हर डेटा एंट्री करनी है, कोई भी हमारी जो चीज़ है उसमें संग्रह हो सकता है, कंप्यूटर में हम रख सकते हैं। तो आज तो डाकघर में भी हर काम कंप्यूटर से होता है। वैसा ही पैराग्राफ है, आज तो डाकघर कंप्यूटर से सच बन गए हैं। डाकघर बैंक जैसा काम करती, मैंने आपको पहले बताया कि डाकघर आज तो बैंक जैसा कार्य करती है। डाकघर से हम मनी ऑर्डर करके पैसे भेज सकते हैं, मनी ऑर्डर भी कर सकते हैं, किसी और रिश्तेदारों को हम पैसे मनी ऑर्डर से डाकघर से भेज सकते हैं। डाकघर से हम पार्सल, रजिस्टर तथा स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। जल्दी हमें स्पीड पोस्ट यानी कि हमें जो किसी को लेटर है वो जल्दी पहुंचाना है तो
स्पीड पोस्ट करके उसको भेज सकते हैं। डाकघर में हम अपने पैसे भी रख सकते हैं। जिस तरीके से बैंक में हम अपने पैसे रखते हैं, उसी तरीके से डाकघर में भी हम पैसे रख सकते हैं। डाकघर से हम सेविंग सर्टिफिकेट्स तथा अन्य सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं। हमें सेविंग यानी कि हमारा पैसे है वो बचा सकते हैं और सर्टिफिकेट भी खरीद सकते हैं। वे पैसों पर हमें ब्याज भी मिलता है। बैंक हमें ब्याज देती है, उसी तरीके से डाकघर भी हमें उस पैसों पर ब्याज भी देता है। डाकघर में हमें हमारी पूंजी सलामत रहती है। डाकघर में जो हमारी पूंजी यानी कि जो हमने पैसे जमा किए वो क्या है, सलामत रहते हैं। हमें पैसे जो खराब हो जाने की हमें चिंता नहीं रहती है, वो हमारे पैसों की वहाँ पूरी सलामती रहती है। डाकघर जनता के लिए बहुत उपयोगी है। डाकघर लोक सेवा का केंद्र है। डाकघर जनता है यानी कि लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। डाकघर है वो लोक सेवा का एक केंद्र है जहाँ लोगों की सेवा होती है। यहाँ पे हमारे दोनों निबंध है वो ख़त्म होते हैं। आपको ये जिन लोगों ने निबंध लिखे हैं उसको नहीं लिखने हैं, जिन्होंने नहीं लिखा है उसको अपनी हिंदी के निबंध की नोट में लिखना है। अस्तु, जय स्वामीनारायण।